बीते दिन शुक्रवार को एक ऐसी घटना घटी जिससे शिक्षक जगत में भूचाल सा आ गया। बताते चले, जो शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा देते स्कूलों में अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, उसी दौरान अगर बच्चों के बीच में दो शिक्षक आपस में भिड़ जाते हैं तो उनके ऊपर किस तरीके की मानसिकता उत्पन्न हो सकती है। यह धनंजय झा जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये लहूलुहान होकर के DMCH में भर्ती होते हैं। इनके साथ संतोष चौधरी जो राजकीय मध्य विद्यालय बहरी प्रखंड के पघारी में पढ़ाते हैं, बीते दिन दोपहर में अचानक वो इन पे धनंजय झा पे रॉड से मारना शुरू कर देते हैं और ये बेहोश हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ के मुखिया इनको उठा करके बहरी के PSC में ले जाते, उसके बाद DMCH में इनको भर्ती कराया जाता है। इनके जो साथी हैं वो सीधे मांग करते हैं कि ऐसे शिक्षकों को अविलंब स्कूल से निकाला जाए, नहीं तो बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। अब देखना होगा कि उच्च पदाधिकारी किस तरह का कार्रवाई लेते हैं, क्या कहना था इनके साथियों का और धनंजय जी ने क्या कहा। बता पाएंगे आप, कुछ बोल पाएंगे तो बोलिए। विद्यालय में हम मोबाइल का चार्जर खराब था, हम चौक के आते वक्त दे के गए थे चार्जर दुकान वाले को, तो हम अपने ऑफिस से कक्षा कर लिए थे। कक्षा कर लेने के बाद अपना गाड़ी लिए और हम निकल रहे थे चौक से, मतलब चार्जर ले आने के लिए, और तेल भी कम था तो बगल में ही उसी गांव में ही पेट्रोल पंप है तो वहां से हम तेल लेते। गेट पर आए तो गेट पर खड़ा हो गया वो शिक्षक, अपराधी टाइप का शिक्षक है। क्या नाम है? संतोष चौधरी नाम है। और पूर्व में भी एक शिक्षक का नाक तोड़े हुआ है वो, और पूर्व में भी कई शिक्षक से मेरे साथ गाली दुर्व्यवहार पूर्व में भी किया, मैं छोड़ दिया था समझौता के कारण। वो गेट बंद किया, ताला लॉक कर दिया उन्होंने। हमको कहा कि भाई हमको जाने दीजिए तेल लेना है, तो बोले कि नहीं जाने देंगे तुमको, 4 बजे के बाद जाना है, ऐसे करके बोला। हम चले आए बैठ गए, फिर हम बैठे हुए थे और उधर से वो रॉड से आया और सीधा प्रहार करने लगा। देखिए, हम बचाने के लिए प्रयास किए कि यहाँ मार दिया, उसके बाद यहाँ लग गया है चोट, मैं बेहोश हो गया शायद। वहाँ बहुत सारे लोग आए, वो PHC ले गए, PHC से फिर यहाँ रेफर किया गया। कौन PHC? ये PHC बहरी। अच्छा, ये जो मारने वाले जो मास्टर थे, क्या वो HM है उस विद्यालय के? नहीं। तो फिर HM से कुछ नहीं किया? और भी कितने टीचर हैं आप लोग टोटल उस विद्यालय में? 31 टीचर हैं। कितने टीचर हैं? 31 टीचर। 31 है। विद्यालय का क्या नाम है? मध्य विद्यालय पघारी है। मध्य विद्यालय पघारी है जी। तो उसमें HM कौन है अभी मास्टर, हेड मास्टर? राम रतन दास है। आज आप उसी स्कूल में शिक्षक हैं? जी सर। उसी स्कूल में शिक्षक? क्या पढ़ाते हैं? हम 1-5 के शिक्षक हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। अच्छा, वो जो संतोष चौधरी का उसी गांव के टीचर हैं? जी, ग्रामीण शिक्षक हैं, बोलबाला है। अच्छा। और वो जितने भी सारे ग्रामीण शिक्षक हैं और जो मन होता है वो करते हैं, किसी को फिट देते हैं। और बार बार कई ग्रामीण ने भी इसका आवेदन DM को दिए हुआ है, BDO को दिया हुआ, लेकिन कोई संज्ञान नहीं हुआ है। और ये बार बार इसका नियत है, आज हम इसका भुक्तभोगी हो गए हैं। हमको पीटा गया है, हमको चाहिए, हमको इंसान। हमारे जिला प्रवक्ता भाई धनंजय जी के साथ यह आपराधिक प्रकृति का जो शिक्षक है, शिक्षक पर प्रहार करना है, बहुत जितनी भी निंदा की जाए कम। अक्सर इनको धमकी दिया जा रहा है, कई बार ये बोले हैं, हमको बता रहे थे कि अक्सर इनको धमकी दिया जा रहा है। कोई भी मामला हो, HM इनको सतर्क करना चाहिए, HM को इस मामला को कम करना चाहिए। ये टिफिन के समय में पेट्रोल लेने जा रहे थे धनंजय जी, उस समय इनको बंद कर दिया गया, रूम बंद कर दिया गया, उसके बाद रॉड लेकर के मारा गया है, नाक से ब्लडिंग हो रहा है, हर जगह पे मारा गया, पाँव पे मारा गया। इतनी ये अपराध का मामला है। ये जो शिक्षक है वो जिस स्कूल में गया है उसमें यही हाल है, जो पहले स्कूल था उसमें से उनको डिप्टेशन किया गया है, वहाँ भी यही हाल था। 3-4 शिक्षक के साथ यही दुर्व्यवहार का व्यवहार किया है, बराबर ही मारने का काम करता है, अपराधिक किसी का लोग है ये, गांव का दबदबा बना हुआ है, गांव में ही ये शिक्षक है, ये अक्सर इनको मारने का, अक्सर धमकी देने का काम करता है। इसके लिए मैं रंजन कुमार पासवान, जिला महासचिव दरभंगा, DM साहब से, BPO साहब से, DO साहब से, BO साहब से रिक्वेस्ट करूँगा
इस शिक्षक को इस आपराधिक प्रकृति के शिक्षक को बर्खास्त किया जाए, तभी जा करके हम लोग शांत रहेंगे, नहीं तो हम लोग भी आंदोलन के लिए भक्षक हैं। उनके साथ जो है सो उनके ही विद्यालय के सहायक शिक्षक ने हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से जो है घायल हैं और बहरी PSC भर्ती हैं। मैंने कॉलेज जो है सो मतलब वहाँ पहुँचा, लेकिन रास्ते में ही मालूम पड़ा कि वो DMC जा रहा है, तो मैंने DMC अभी पहुँचा हूँ, देखा हूँ काफ़ी जो है सो वो मतलब कि ये है मतलब कि अभी बीमार हैं, काफ़ी चोट लगी हुई है सभी जगह, पीठ पर मारपीट जो हुआ है, सुनने में आया कि लाठी डंडे से पिटाई हुई, रॉड का भी इस्तेमाल है क्या? ब्लड नहीं कहीं से निकला है, ब्लड इंजरी नहीं है, ब्लड नाक से ब्लड निकला हुआ है, हमने देखा है कि नाक से ब्लड निकला हुआ है, और जो है सो ये इधर पीछे भी बहुत चोट है, इसमें भी उन्होंने बताया है कि यहाँ भी उनको चोट लगा हुआ है, अभी जो है यहाँ पे थोड़ा जांच हुई है, उसके बाद जो है सो पता चला कि किसके लिए लड़ाई हुआ है। सुनने में जो आ रहा है सुनने में आ रहा है कि वहाँ जो लड़ाई हुई है ये निकल रहे थे और इनको जो है पीछे से टोका कि भाई आप क्यों निकल रहे हैं, जबकि ये काम प्रधानाध्यापक की है, ये सारे शिक्षक के काम नहीं है, कौन शिक्षक विद्यालय में है, कौन शिक्षक क्लास में है नहीं है, ये प्रधानाध्यापक। धनंजय मेरा छोटा भाई है, मैं इनके बड़े भाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार झा हुआ। मृत्युंजय जी आप क्या करते हैं? टैक्स कंसल्टेंट है। कब घटना कैसे हुई है और क्या है मामला, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? एक्चुअली है क्या, ये बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ के शिक्षक लोग इनको परेशान कर रहे हैं, इससे पहले भी कुछ दिन पहले जो है सो राम रतन दास जी भी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम कर रहे थे, उनको स्कूल जाने आने में प्रॉब्लम कर रहे थे, समय से ये जाते थे तब भी हाजिरी काट दिया जाता था इनका, जो अब समय से नहीं आ रहे हैं, इसके कारण फिर हल्ला गुल्ला भी हुआ था, आज फिर पुनः ये घटना घट गई। तो ये कैसे आपको सूचना मिला कि ये घटना घटी? हम मधुबनी में थे तो यहाँ से फ़ोन गया, जो आपके भाई को जो है सो मारा गया है वो मूर्छित हैं, ठीक है, तो कहाँ पहुँचे थे? हम यहाँ से इनको बहरी PSC पहुँचे, तो बहरी PSC से वहाँ रेफर किए, तो फिर DMC से लेके आए। अभी कैसी हालत है, अभी क्या पोजीशन है आपके? संजय अभी पोजीशन ठीक है, उतना बहुत खराब है, लेकिन डॉक्टर बोले हैं रात भर रखेंगे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन में रखा गया, इसका एक्सरे CT स्कैन सब हुआ है, एक्सरे हुआ है, एक्सरे कितनी जगह लगा हुआ है चोट का निशान? ये तो 5-7 जगह चोट का निशान है, सर पे लगा हुआ है, नाक से ब्लड निकल रहा था, हाथ में है, माथे में है, सारे इंटरनल इंजुरी भी है। हाँ, इंटरनल इंजुरी है। शिक्षा पदाधिकारी को कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा पदाधिकारी को कहना चाहेंगे जो इस तरह के बेकार शिक्षक हैं उस पर कुछ एक्शन ले। समाज का निर्माण करता है और उसमें जो उस विद्यालय परिवार में जो बच्चे रहते हैं वो अनुकरण करके सीखते हैं, ये मनोविज्ञान ऐसा कहता है, साइकोलॉजी ऐसा कहता है। शिक्षक आपस में अगर ऐसे करेंगे तो हमारे 300-400 बच्चे, 800 बच्चे जो विद्यालय में रहते हैं उनका भविष्य पे इसका असर पड़ेगा। तो जिस तरीके से यह घटना सामने आई है वो काफ़ी हृदय विदारक है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। और जैसा कि सुनने में आया है, जैसा कि हमने जो है जो शिक्षक घायल हुए हैं धनंजय कुमार झा जी, उनकी उनको चोट को देख के ऐसा प्रतीत होता है जो काफ़ी गहरी चोट उन पे लगी है, उनके द्वारा कहा जा रहा है जो लोहे की रॉड से हमें मारा गया, लाठी से मारा गया, सर पे चोट लगा है और नाक में ब्लीडिंग, मेरे सामने में जो है कंपाउंड डॉक्टर साहब जो है वो उसका ठीक किए हैं। तो यह सब घटना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए इसको इसका इस समस्या का निदान होना चाहिए। कुछ समस्या स्कूल में ऐसे देखने को अक्सर आता है, जो गांव के जो शिक्षक होते हैं वो अपने आप को बाहरी शिक्षक पर कहीं ना कहीं दबाव बना के रखना चाहते हैं, जो वह शिक्षक मानसिक रूप से डरे हुए रहते हैं और विद्यालय में पठन पाठन के कार्य में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको हम अपने पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी शिक्षा पदाधिकारी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करके उनको घर से दूर उनको शिफ्ट किया जाए, ताकि पठन पाठन का कार्य जो है वो अच्छे से चल सके। मोहम्मद शाहनवाज आलम।